भोजपुरी और मगही पर आपका क्या स्टैंड है धनबाद? अरे भैया, मैंने बार बार कहा कि भाषा के लिए सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। अगर हमसे हेमंत सोरेन जी बात करेंगे कि क्या नीति होना चाहिए तो हम उनको बता देंगे क्या नीति बनानी चाहिए। बनाने तो नीति बनाई है सर, जो अरे कोई नीति नहीं बनाई है ना, कोई नीति थोड़े होता है। सवाल वो अधूरा रह गया सर। कौन सा? सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें तो दसवीं और बारहवीं का उन्होंने तय कर दिया कि जो दसवीं और बारहवीं का एग्जाम यहाँ दिए हैं वो एलिजिबल। भारतीय जनता पार्टी से इसलिए सवाल है क्योंकि आप विपक्ष। देखिए, मैंने तो उस पर बार बार कहा है कि देखिए भाई, आप समझे ना, उस बात तो मैं बार बार कहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि 10th और 12th जो यहाँ पास किए हैं वो पात्रता होंगे। दूसरा कहा है कि रिजर्व कैटेगरी के जो लोग होंगे वो बाहर से भी पास किए हैं वो भी पात्रता होंगे, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के जो झारखंड के लोग हैं बेचारा और बाहर से पढ़े हैं तो उन लोगों ने कौन सा कसूर किया है? उसको झारखंड सरकार ने छोड़ दिया, वो सरकार ने गलत किया है, उसको सरकार को ठीक करना चाहिए। हमने इस बार कई दफा बोला है भाई सर, आप लोग हमारी बात को तो ध्यान ही नहीं देते, खाली हेमंत सोरेन की बात पर आप लोग ध्यान देते हैं। सर आखिरी सवाल हाँ बोलिए ना। धनबाद, ओसारो, डुमरी कल नवाटी में हुआ, फिर बेरमो में हुआ, हजारों की संख्या में युवा निकल रहे हैं, यूथ निकल रहे हैं, हम लोग लगातार वो उनका मैसेज आ रहा है, वो ये सवाल पूछते हैं, दो जिलों की बात कर रहा हूँ, धनबाद और बोकारो की, कि भाषा को लेकर बीजेपी के कोई भी विधायक अपना क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है? अरे हमने कहा कि आंदोलन कहाँ हो रहा है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और लड़ाई का कारण आप सब लोगों को समझ में आ जाएगी। लड़ाई कहाँ हो रहा है उसको ध्यान दीजिएगा ना, आप सबको समझ में आ जाएगी उस लड़ाई के पीछे का क्या कारण है, क्या मकसद है, आपको आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी। लड़ाई कहाँ हो रही है? डुमरी में हो रही है, समझ गए ना? लड़ाई कहाँ हो रही है? टुंडी में लड़ाई हो रही है। तो झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं? अरे हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, हमने कहा कि उस पर आप थोड़ा आप लोग रिसर्च करिए, आप लोग समझे कि नहीं? हर बार कहा कि भाई उनको नीति बनानी चाहिए भाषा के बारे में, क्योंकि झारखंड प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ है। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई ट्राइबल में 32 जनजातियाँ हैं, सबकी भाषा अलग अलग है, उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हर इलाकों में ढेर सारे भाषाएं हैं, भाषा की यहाँ विविधताएं हैं। तब हमने कहा कि भाषा की एक नीति बनाइए। और हेमंत सोरेन जिस दिन अगर हमसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या नीति होना चाहिए तो मैं उनको बता दूंगा। किस पर? अरे वो तो सरकार खुद ही करवा रही है, बीजेपी का क्या है? उनकी आपसी लड़ाई। हमारा तो हमने बार बार कहा है कि भाई भाषा के बारे में सरकार को कोई एक नीति तय करनी चाहिए। अरे उन लोगों की आपस की लड़ाई है, वो तो कितनी वो लोग बेचारा लड़ रहे हैं, कितना परेशान है। हमने बार बार मैंने इस बात को कहा है, और बाकी उनकी आपस की लड़ाई है, उस लड़ाई में जनता पीस रही है, उस लड़ाई में हंगामा वो खड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसको बीजेपी, वो बोल रहे हैं कि वो सारी चीज बीजेपी और आसू के लोग करा रहे हैं। और कुछ बोल दे तो दिक्कत हो जाएगी। कई गांव में अभी हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि वहाँ पे जो पंचायत लेवल पे इस तरह से संगठित होके वो लोग ये कह रहे हैं कि 1932 खतियान जो है उसको सरकार लागू करे, बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? मतलब अरे भैया, मैंने कहा कि जब हम लोगों से स्टैंड पूछा जाएगा ना उस समय बताएंगे। उन्होंने तो खुद कहा था कि 1932 की खतियान को हम लागू करेंगे, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब उनको देना, उसका जवाब हमको क्यों, हमको पूछ रहे हो? जेएमएम से जवाब पूछिए ना, कि उन्होंने खुद कहा था, उनसे भी बात को उनको लोग पूछ रहा है तो उनको जवाब देना है। बाबूलाल मरांडी उसके लिए जवाब देने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं।